हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही सिंपल और हेल्दी सा बनाना केक की रेसिपी शेयर करने वाला हूं, और इंग्रेडिएंट्स भी एकदम सिंपल रखेंगे जो कि सारे किचन में इजीली मिल जाएंगे। हेल्दी केक बना रहे हैं तो इसमें हम लोग चीनी यूज नहीं करेंगे, मैदा यूज नहीं करेंगे और बटर भी यूज नहीं करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 से 5 केले ले लीजिए जो कि अच्छे से पके होने चाहिए। इससे क्या होगा, बनाना नेचुरल स्वीटनर का भी काम करेगा और अपने केक को भी मॉइस्ट रखेगा। सो इसको पील करके अच्छे से मैश कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए सो दैट ये अच्छे से मैश हो जाए। सो ये मैश हो चुका है। अब इसमें हम लोग 2 टेबलस्पून पीनट बटर ऐड करेंगे जो कि नटी फ्लेवर ऐड करेगा। अब इसमें हम 2 होल एग ऐड करेंगे। एग से अपना केक लाइट एंड फ्लफी बनेगा, प्लस ये प्रोटीन भी ऐड करेगा। और अब फ्लेवर के लिए हम लोग 1/2 टीस्पून इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप एगलेस बनाना चाह रहे हैं तो अंडे की जगह आप योगर्ट ऐड कर लीजिए, फ्रेश योगर्ट यूज़ कीजिए। और अगर आप थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप जैगरी या तो हनी भी ऐड कर सकते हैं। ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें 1 कप होल व्हीट फ्लार ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह ओट्स भी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, केक का बैटर रेडी हो गया है। चलिए अब इसको हम लोग अवन में बेक कर लेंगे। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसको कुकर में भी बेक कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको एक स्टैंड रखना पड़ेगा और उसमें 1 कप सॉल्ट ऐड कर दीजिए और फिर कुकर को प्री हीट कर लीजिए। और जैसे ही कुकर गर्म हो जाए आप केक को प्लेस करके मीडियम टू लो फ्लेम पे उसको 20 से 25 मिनट तक आपको बेक करना है। और फिर आप एक छोटा सा स्टिक ले लीजिए, उसको आप इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लीन बाहर आ रहा है तो समझ लीजिए आपका केक रेडी हो गया। गार्निश के लिए थोड़े मैं एलमंड्स यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो वॉलनट्स, पिस्ताचियो या कैशू नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। बैटर को अब हम लोग एक बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बैटर को ट्रांसफ़र करने से पहले ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे सो दैट गाइस ये बेक होते टाइम स्टिक ना हो। और अब एक बार टैप कर लेंगे सो दैट ये अच्छे से स्प्रेड हो जाए। बेक करने से पहले अब इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। और अब इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। पंद्रह से 20 मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए।
सो गाइज ये था सिंपल सा हेल्दी बनाना केक जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं, और आपने देखा कितने जल्दी बन के रेडी भी हो गया। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।